हाय, दिस आशीष। यू आर वाचिंग टीज टू इच। और आज के इस टॉपिक में मैं एक और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं बात करूंगा एक आसान से सवाल के कठिन जवाब की। ये सवाल है कि यूट्यूब में ऐसा कौन सा समय है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है कोई वीडियो अपलोड करने का। देखिए, इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, और जो वीडियो उन्होंने बनाई है या उसमें जो समझाया है वो बहुत ही अच्छा समझाया है। अपने हिसाब से जो भी उन्होंने व्यू रखे हैं वो बिल्कुल ठीक रखे हैं, मैं उन सभी चीज़ों से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हिंदी कंटेंट वाले लोगों के लिए है, इंग्लिश कंटेंट वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो दूसरी होती है, और जो इंडियंस होते हैं या हिंदी लैंग्वेज वाले क्रिएटर हैं उनकी दूसरी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आइडियल टाइम आपको दे रहा हूँ जो कि इंडिया में बेस्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऐसा टाइम दूंगा जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये एक आइडियल टाइम। तो देखिए, आप अगर कोई भी वीडियो डालना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले आपको कतई अपलोड नहीं करनी, और 9 बजे के बाद भी आपको अपलोड नहीं करनी। अब आप पूछेंगे रीजन, मैं छोटे छोटे दोनों के लिए एक रीजन दे देता हूँ, आई होप आपको वो रीजन बिल्कुल ठीक लगे। सुबह 8 बजे वीडियो इसलिए नहीं डालनी क्योंकि लोग बहुत सारे उस वक्त तक नहीं उठते हैं जो जॉब या स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं कॉलेज वालों की बात कर रहा हूँ। और रात के 9 बजे क्यों नहीं डालनी है, वो इसलिए नहीं डालनी है कि रात के 9 बजे तक लोग अपना मोबाइल डेटा ओवर कर चुके होते हैं। जो 1 GB 1.5 GB उन्हें चाहिए होता है वो सारा का सारा डाउनलोडिंग में वो खर्च कर चुके होते हैं। तो 9 बजे के बाद भी आपको वीडियो नहीं डालनी है। आपको क्या लगता है कि जो वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में जाती है वो कैसे जाती है? देखिए, बहुत ज़्यादा व्यूज में ट्रेंडिंग सेक्शन के वीडियो का आने का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। देखिए, ट्रेंडिंग सेक्शन में वीडियो इस वजह से आती है कि मान लीजिए आपने वीडियो अपलोड करी, उस वीडियो पे एकदम से बहुत ज़्यादा व्यू आ गए, यानी कि जो व्यूअर है उसका जो इंगेजमेंट है उस वीडियो के साथ वो बहुत ज़्यादा है। आपने यू वीडियो अपलोड करी और 1 ही घंटे में उसमें बहुत सारे व्यूज आ गए। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग सेक्शन में चीज़ें होती हैं वो न्यूज़ होती है, या कोई सॉन्ग होता है, या बहुत बड़े सेलिब्रिटी की कोई वीडियो होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका लोग वेट करते हैं। यानी कि आप अगर देखें कि जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई बात हो तो एकदम ट्रेंडिंग में चल जाती है, या किसी सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो वो चीज़ भी ट्रेंडिंग में चल जाती है। क्यों? क्योंकि इन वीडियोस का लोग वेट करते हैं, और सही समय पर वीडियो जब डलती है तो लोग उसे देखते हैं और वो ट्रेंडिंग सेक्शन में चली जाती है। अब बात करते हैं कि सबसे सही समय अपलोड करने का। देखिए, ये चीज़ आप अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में जाके पता कर सकते हैं, जहाँ पे मिनट टू मिनट या आर टू आर आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपका जो व्यूअर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा आपका जो वीडियो है वो देख रहा है, तो वहाँ पे आपको नंबर्स में दिख जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, और ये हर क्रिएटर का अलग अलग भी हो सकता है कि किसी की वीडियो किसी और टाइम में ज़्यादा देखी जा रही है और मेरी वीडियो किसी और टाइम में ज़्यादा देखी जा रही है। ओके, और अगर आप नए क्रिएटर हैं तो देखिए, आपका जो एनालिटिक्स होगा वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। कोई स्पेसिफिक टाइम में आपके बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी नया नया चैनल बनाया है। जब आपको लगे कि आप बहुत नए यूट्यूबर हैं, आपके एनालिटिक्स से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको नहीं पता चल पा रहा है कुछ ऐसे टाइम का जहाँ पे आपको वीडियो डालनी चाहिए, तो आप मेरा वाला रूल अपना सकते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने अपना एक टाइम सेट कर रखा है। वो टाइम है, मैं संडे को सुबह 9 बजे वीडियो पब्लिश करता हूँ। आप मेरी हिस्ट्री में जाएं और देखें, मैं हर संडे वीक में एक बार सुबह 9 बजे वीडियो पब्लिश करता हूँ, तो करता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए अगर आपने भी कोई एक टाइम फिक्स कर दिया तो उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी व्यूअर आपकी वीडियो देखता है या जो आपका एक्टिव सब्सक्राइबर है, उसे पता होगा कि आप 9 बजे सुबह वीडियो डालने वाले हैं। अब भले उस 9 बजे उसने वो वीडियो नहीं देखा, तो भी उसे याद रहेगा कि यार हाँ, ये बंदा 9 बजे वीडियो डालता था, तो वो वीडियो डाल चुका होगा, तो मुझे वहाँ देखने जाना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप मान लीजिए 10,000 आपके सब्सक्राइबर हैं,
तो आपके 10,000 के 10,000 सब्सक्राइबर ऐसे नहीं होते हैं जो आपके बहुत बड़े वाले फैन होते हैं, यानी कि वो 10,000 ऐसे नहीं होंगे कि आपने वीडियो डाली और वो देख लेंगे। उन 10,000 में से 1,000-2,000 भी अगर ऐसे हो तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो 8,000 हैं वो उनका क्या, उनका रोल कैसे प्ले होगा, उन्हें कैसे व्यू हम उन्हें कैसे अपनी वीडियो ज़्यादा दिखा पाएंगे। तो हमको एक आइडियल टाइम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा समय बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम वीडियो डाल सके और लोग देख सके। तो मैं भी आपको यही राय दूंगा कि आप सुबह 9 बजे वीडियो डालें और एक दिन फिक्स कर दें। देखिए वीक में आपको कितने वीडियो बनानी है ये आपका डिसीजन है, लेकिन जो आपको वीडियो पब्लिश करनी है अगर आप करते हैं, अगर कोई वीडियो पब्लिश करते हैं तो प्लीज़ आप 9 बजे सुबह उस वीडियो को पब्लिश करें। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है जब लोग सुबह 9 बजे उठते हैं तो अपना मोबाइल चेक करते हैं। आजकल ऐसी ट्रेंड है कि लोग उठते अपना पहले मोबाइल चेक करते हैं, तो जब वो मोबाइल चेक करेंगे आपकी वीडियो आपको दिखेगी तो वो जरूर उस पर क्लिक मारेंगे, और जब क्लिक मारेंगे तो आपके व्यूज़ एकदम बढ़ेंगे। और स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो वीडियो आपके ऊपर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो बेस्ट टाइम आप या तो YouTube एनालिटिक्स से देख सकते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, वरना आप सुबह 9 बजे एक वीडियो डालिए। सो आज के मेरे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था बताने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी।